में। और अरे उनकी परमिशन नहीं चाहिए मिलने के लिए किसी से। आप आ जाइए सर, एक मिनट के लिए, कोई बात नहीं, बात तो कर लूँ, यहीं पे बात कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं जी। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। किस तरह से क्या हुआ पूरा बता डालिए। एक लड़का बीमार था, हाँ। इस ट्रेनिंग सेंटर में पिछले एक हफ्ते से पानी नहीं, लड़के बीमार हो जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, ठीक है, एकदम घटिया से हॉस्पिटल में। हम कोई सिविलियन नहीं है, नौकरी लगे हुए लड़के हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही किसी भी सिविलियन से हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया, वहाँ कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। लड़के रात दिन यहाँ सुबह 4 बजे से लेके रात के 8:30-9 बजे तक ट्रेनिंग चलती है, कोई मतलब नहीं। उस लड़के की 3 दिन से तबीयत खराब, उसको कोई इलाज नहीं, कोई मतलब नहीं। आज उस लड़के की हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वो बेड से खड़ा हो जाए, उसे जबरदस्ती ग्राउंड पे बुलाना, जबरदस्ती बेकार उसी हॉस्पिटल में भेज देना, उसके माँ बाप आए लेने के लिए, वो उसके हाथ जोड़ते रहे और उनको गले लेके भगा दिया कि जाओ यहाँ से निकलो तुम, उनको गाली देके भगाया गया। ना कोई इंसानियत जैसा व्यवहार, ना कुछ, बस ऐवे ही धक्का पेल चल रही थी। यहाँ वो लड़का आया, उसके बाप चाचा को धमका के उल्टा भेज दिया गया, वो लड़का मर गया जी, वो लड़का मर गया। और जिसने माँ बाप के साथ बदतमीजी, सारा सिस्टम सब करप्ट, कोई हिसाब नहीं जी यहाँ पे, मार पिटाई जो देखो वो हिसाब, गंदी गाड़ी ना, पानी ना, बिजली ना, कुछ भी नहीं, पानी नहीं आ रहा। 25-25 लड़के एक बैरिक में रख रखे हैं, जिसमें सिर्फ 10 से 12 या 15 मैक्सिमम रहने की स्थिति हो, उसमें 25 लड़के रह रहे हैं, कोई नहाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। वो लड़का यहाँ तड़प के मर गया, उसके बच्चे के साथ इतना बुरा, एक बूढ़ी माँ है जी उसके घर में, बाप भी नहीं उसका, उसका बाप भी नहीं है, उससे पूछो क्या करना है जीवन में, बस माँ की सेवा करनी है भाई, मेरे से लंबा था।